150 साल पुराने शिवालय में शिवलिंग सहित 3 प्रतिमा खंडित, पार्वती मैया का अपहरण। जिले के करेरा थाना सीमा में आने वाले ग्राम टोड़ा में 150 साल पुराने शिवालय में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये काम किसी नशेड़ी व्यक्ति ने किया है। जब मंदिर के पुजारी ने सुबह पूजा करने के लिए शिवालय के पट खोलकर प्रवेश किया तो देखा शिवालय की मूर्तियां खंडित होकर टूटी हुई थी, वहीं माँ पार्वती की मूर्ति भी गायब थी। मामले की सूचना करेरा थाने को दी गई। मौके पर पहुंचे करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा अपने अमले के साथ पहुंचे। जानकारी के अनुसार सिरसौ चौराहे से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टोड़ा में स्थित 150 साल से भी पुराने मंदिर में असामाजिक तत्वों ने शिवालय में घुसकर स्थापित शिवलिंग को खंडित कर दिया। मंदिर के फर्श पर नंदी महाराज और श्री गणेश की प्रतिमा को भी उखाड़ कर खंडित कर दिया है। वहीं असामाजिक तत्वों ने पार्वती की प्रतिमा को चुरा ले गए। आपका नाम क्या है? महेश पंडा। अच्छा, आप मंदिर के कौन हो? अच्छा, मंदिर के आप पुजारी हो जी। बताइए, ये मंदिर में जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है ये कौन कर सकता है, क्या है? अभी तो यहाँ दारू पीते मिलते हैं शाम के टाइम, सुबह भी मिलते हैं, तो उन्हीं का काम होता है। अच्छा जी, बताइए मंदिर में जो मूर्तियों की प्रतिष्ठा थी, कितनी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं? 4 मूर्ति हैं। कौन कौन सी मूर्ति चोरी चली गई? पार्वती जी की, और 3 मूर्तियों को पटा करके पत्थरों से तोड़ कर वहीं डाल दी। अच्छा, नारिया की मूर्ति तोड़ दी, गणेश जी की मूर्ति को तोड़ दिया, और शंकर जी की मूर्ति को पटा करके वहीं छोड़ दिया बगल में। इसकी शिकायत पुलिस में कर दी? मैंने 15 साल में की। अच्छा ये बताइए, ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 150 साल पुराना है। चलो ठीक। आपका नाम क्या है? रविंद्र सिंह चौहान। कहाँ के हो आप? टोड़ा पिछोर। अच्छा ये बताइए, मंदिर में अभी जो वारदात हुई है, जी क्या वारदात है? आज रात में कुछ किसी ने मूर्ति तोड़ दी है। अच्छा आप ये बताइए, इस मंदिर में कौन सी मूर्ति की प्रतिष्ठा? शंकर जी का परिवार है इसमें। आपको क्या लगता है कि किसने की होगी? ये कोई दारू पीने वाले हैं जो रोज यहाँ दारू पी पी के उधम मचाते हैं। हाँ, और खुलेआम गांव में दारू बिक रही है और हर चौराहे पे दारू है, भले आदमी को बैठने की स्थिति में नहीं रहते। शाम को किस तरह की दारू बिक रही है? कच्ची पक्की सब तरह की, 2 नंबर की दारू है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस को की? अब हमने स्वयं तो नहीं की है, लेकिन कई बार छापा पड़े, पकड़ी गई थोड़ी बहुत, लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं होता, दोबारा फिर बिकने लगती है। अभी जो मंदिर में मूर्ति हो जो क्षतिग्रस्त हुई है, इसकी सूचना पुलिस को दे दी? अभी दे दी, TI साहब से मेरी बात हो गई और TI साहब बोल रहे हैं कि मैं स्वयं आ रहा हूँ, बोले देखने 5 मिनट में। चलो ठीक। ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अमरेंद्र सिंह चौहान। कहाँ के हो आप? थोड़ा पिछोर के रहने वाले। ये मंदिर में अभी जो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, हाँ, ये आपको क्या लगता है? ये कोई किसी दारूखोर का काम है ये, क्योंकि जिस हिसाब से मूर्ति तोड़ी गई हैं, ऐसा लगता है किसी दारू खोने काम किया है, क्योंकि ले जाने वाला तो ले जाता, उधर तोड़ के ही रख गया है। अच्छा, ये शराब जो नशेड़ी जो है, इन्होंने मंदिर को ये टारगेट क्यों किया? अब ये तो नहीं कह सकते उनके क्यों या साहब ने इसको टारगेट बनाया। अच्छा ये बताइए, मंदिर कितने वर्ष पुराना है? मंदिर तो हमारा कम से कम 150-200 वर्ष पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सारी मूर्तियाँ थी। अच्छा, इसने भी किया है, गलत किया है। अच्छा ये बताइए, ये मंदिर में जो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, इसके बाद आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कम से कम अपराधी पकड़े जाए, और अपराधी को पकड़ के उसको सज़ा मिली जाए। किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? अब जैसी कार्रवाई शासन प्रशासन करे उसके ऊपर है, क्योंकि ये तो शासन का काम है। चलो ठीक। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.